on this video. Welcome back to new video. So guys, आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद और अभी हम वैन में बैठ चुके हैं. वैन में बैठ चुके और वैन ऐसे इंट्रो करो, ऐसे इंट्रो करो. यहाँ पे अंधेरा आ रहा है, बीच यहाँ पे थोड़ा करके करो. गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो. गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो. आज हम जा रहे हैं हैदराबाद. ये बताया मैं क्यों बताऊँ, और अभी तुम कर लो. हमने चार बार वीडियो बनाई है, चारों दफा इन्होंने मेरी वीडियो खराब की है. एक दफा इसके भाई ने मेरे बाल के अच्छे देखे. वो हम आपको BTS में दिखाएंगे एंड ऑफ द वीडियो, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी. गाइस देखिए, अभी हम लोग बैठ चुके हैं वैन में अपनी, एक सेकंड. और ये के घर जा रहे हैं. और अभी देखे मैं आगे एक चीज दिखाता हूँ आपको. सो गाइस देखे यहाँ पे ना, हमारी जो दादी खाला का घर है ना, उसके आगे एक घर, एक वो था, दीवार थी बिल्कुल सामने, वहां पे देखे गिलहरी चल रही है. ये गाइस मैंने नहीं देखा था, ये मेरी अम्मी और सिस्टर ने देखा था, क्योंकि मैं और बाबा नमाज पढ़ने गए हुए थे, क्योंकि उस दिन जुम्मा था. और देखिए गिलहरी पता नहीं कैसे पकड़ पकड़ के ब्लॉक्स को नीचे आ गई थी, फिर दोबारा ऊपर चली गई थी. और ये देखें कितना अच्छा कबूतर माशाल्लाह से बैठा हुआ है.
गाइस ये हैदराबाद और भी सिटीज़ में ना ब्रिक्स यूज़ करते हैं, रेड ब्रिक्स, और हमारे कराची में यहाँ पे ब्लॉक्स यूज़ करते हैं बड़े बड़े। दीवार बनाने के लिए तो गाइस हम लोग हैदराबाद में निकले के कहीं पे घूमने चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर ना यहाँ पे आ गए एल्पाइन जेलेटो पे आइसक्रीम खाने, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी जगह मिली नहीं, और यहाँ पे मेरी आवाज़ इतनी स्लो हो गई थी, मैं इतना थक गया था। देखें आप खुद देख सकते हैं, आइसक्रीम खानी थी बस, इसलिए आए थे। तो देखें आप, तो अभी मैं आया हुआ हैदराबाद में, हम लोग आइसक्रीम खाने आए हैं। एक जगह का नाम देखिए, तो उसका नाम है एल्पाइन जेलेटो, और आइसक्रीम आ जाए फिर खाते खाते बात। सो गाइस यहाँ पे इनका इंटीरियर देखें, फुल रेड और फर्श, और बाकी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो वाइट हैं। देखिए फुल रेड, बिल्कुल अच्छा सा। तो वहाँ पे अंकल साफ कर रहे थे ये शीशे। यहाँ पे टेबल्स का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे चेयर रखी हुई है, और आइसक्रीम नीचे से लेके आके खा लो। गाइस हम लोग वापसी आ गए हैं हैदराबाद से, और वो जिस दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसके उस दूसरे दिन वीडियो बनाई थी, फिर उसके नेक्स्ट डे जो हमारे चाचू की शादी पक्की हुई थी, रिश्ता पक्का हुआ था, तो उसी वजह से वो फैमिली फंक्शन था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और फिर मैं रास्ते की भी उस फंक्शन से हम लोग 1:30 बजे निकले, और फिर सुबह बाजार में पहुँचे। फिर मैं अपने बाबा के साथ गया पराठे लेने, पराठे लेके आया और सुबह को नाश्ता किया इतने मज़े से। फिर हम लोग सो गए, फिर हम लोग 3 बजे उठे थे, इतनी नींद आ रही थी कि मैं पूरे रास्ते जागा हुआ था, और कुछ बंदे थे जो सारे सो रहे थे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।